पेपर देना है, नंबर लाने हैं, कंपटीशन बहुत ज़्यादा टाइट है। बच्चे दिन भर 14-14 घंटे पढ़ते हैं, तब भी जाके सिलेक्शन नहीं होते हैं, रैंक कम रह जाती है। इस टाइप की बातें जेई एस्पिरेंट्स के दिमाग में घूम रही होती हैं। कुछ का जेई निकल जाता है, कुछ का नहीं निकल पाता। इररिस्पेक्टिव ऑफ दैट, एक बहुत ही बढ़िया क्वालिटी होती है जो हम खो देते हैं, दैट इज बीइंग पैशनेट अबाउट समथिंग, बीइंग इन लव विद द सब्जेक्ट। सो गाइज, रिसेंटली आई वॉज रीडिंग दिस ब्लॉग, क्वांटा मैगजीन करके एक बहुत अच्छी ब्लॉग साइट है, लिंक यू विल गेट इन द डिस्क्रिप्शन। बहुत ही ज़्यादा बढ़िया ब्लॉग इस पर कई बार देखने को मिलते हैं, ऑब्वियसली साइंस की डोमेन से रिलेटेड होते हैं। सो या, रिसेंटली आई वॉज रीडिंग दिस ब्लॉग ऑफ जून हु, आई डोंट नो हाउ टू प्रोनाउंस द सरनेम वेल, बट लेट्स कॉल इट हु फॉर नाउ। सो जून भाई साहब जो हैं, इनको 2022 में फील्ड मेडल मिला था मैथमेटिक्स की डोमेन में। जैसे नोबेल प्राइज होता है, मैथमेटिक्स में नोबेल प्राइज नहीं मिलता, फील्ड मेडल मिलता है। इट इज कंसिडर्ड एज द हाइएस्ट अवार्ड इन द डोमेन ऑफ मैथमेटिक्स। ऐसे मान लो जैसे मूवीज में तुम्हारा ऑस्कर होता है, ऐसे मैथमेटिक्स में तुम्हारा फील्ड मेडल होता है। लाइक बहुत ही स्टनिंग डिस्कवरीज अगर तुमने की हुई हैं, देन यू गेट दिस। और ऑब्वियसली मेडल के साथ बहुत सारे प्रिविलेजेस भी मिलते हैं। सो एज ऑफ नाउ जून भाई साहब जो है, ही इज़ अ प्रोफेसर एट स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी, और बहुत ज़्यादा उम्र नहीं है। आई थिंक एट द एज ऑफ 39 ही गॉट द फील्ड मेडल। इट्स प्रॉबेबली द यंगेस्ट, आई एम नॉट श्योर, बट प्रॉबेबली द यंगेस्ट। वरना लोग पढ़ते पढ़ते बूढ़े हो जाते हैं, तब जाके इस तरह के अचीवमेंट्स मिलते हैं। तो जून के बारे में ब्लॉग था, कैसे उसको अचीवमेंट्स मिले, क्या क्या उसकी लाइफ की हिस्ट्री रही। इस ब्लॉग का एक सर्टेन पोर्शन है जो मेरे को लगा यार सभी जेई एस्पिरेंट्स को पता होना चाहिए, जो मेरा दिल छू गया पर्सनली। मतलब लिटरली उसको पढ़ के मेरे गूज़बम्स आ गए, मैं रोक नहीं पाया अपने आप को। मैंने कहा एक वीडियो बनानी पड़ेगी इसके बारे में, तो क्योंकि दिस इज समथिंग दैट मेनी जेई एस्पिरेंट्स आर मिसिंग। तो ये स्क्रीन पे ब्लॉग का एक सेक्शन है जो कि जून के दोस्त ने लिखा है, जो जून के बारे में उसने ऑब्जर्व किया, और वो बात उसने यहाँ पर बड़े ही अच्छे वे में रिप्रेजेंट करके लिखी हुई है, तो ध्यान से पढ़ना इसको। तो इसमें एक बंदा बेसिकली बोल रहा है कि अगर आप एक अच्छे मैथमेटिशियन हो तो आपको बहुत ज़्यादा क्विक होना पड़ता है, बहुत ज़्यादा कैलकुलेटिव होना होता है, एकदम से फट से आंसर देना आना चाहिए। बट जो जून है वो बिल्कुल उल्टा है। मतलब वो एक बेसिक सी चीज़ पे भी इतना ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रहा होता है कि तुम्हें लगेगा कि यार क्या बेवकूफ़ी चल रही है, इस बेसिक चीज़ पे इतना टाइम इन्वेस्ट करने की क्या ज़रूरत है, आगे बढ़ो भाई, आंसर आ गया। वही इन जनरल जो स्टूडेंट्स की जेई में मेंटालिटी रहती है कि क्विक कैलकुलेशन होनी चाहिए एकदम फट से। बट जून तो बहुत ज़्यादा स्लो था, पैराग्राफ में लिखा भी हुआ है, सो स्लो इन फैक्ट दैट एट फर्स्ट वैंग थॉट दैट दे वर वेस्टिंग अ लॉट ऑफ टाइम ऑन ईजी प्रॉब्लम्स दैट दे ऑलरेडी अंडरस्टूड। बट बाद में उसको ये समझ आया कि जून जो है वो बेसिक सिंपलेस्ट डिटेल को भी इतने ज़्यादा नज़ाकत के साथ समझ के चल रहा है, एज इफ के एक वो बेसिक सी बात में ही खो गया है। 1+1=2 में ही खो गया है, जस्ट गिविंग अ रेफरेंस, नॉट एग्जैक्टली 1+1=2 में खो गया था। मे बी वो हर चीज़ को ऐसे समझते हुए चल रहा है कि वो उसका पार्ट ही बन जाए, विच वो टर्न आउट टू बी वेरी बेनिफिशियल इन द लॉन्ग रन। एंड दिस इज एग्जैक्टली वॉट मैनी जेई एस्पिरेंट नीड टू नो। हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन के आंसर लाने में इतने पागल हो जाते हैं कि सॉल्यूशन में स्टेप्स क्या क्या थे, हमने कोई फॉर्मूला यूज़ कर दिया तो हमें यही नहीं पता कि उस फॉर्मूले का प्रूफ कैसे आता है, इस फॉर्मूले का एक्चुअली में एग्जिस्टेंशियली मतलब क्या है। हमें तो भाई बस फॉर्मूला लगाना है, v=r ω, लगा ओमेगा और आर दे रखा था, वी आ गया ना। ढंग से बंदे को वी का मतलब पता है ना, आर का ना ओमेगा, जस्ट गिविंग अ रेफरेंस। ओके, कोई सवाल सॉल्व नहीं हो पाता है तो हम फट से उसका सॉल्यूशन देख लेते हैं, अच्छा अच्छा इसमें तो ये यूज़ होना था। बट एंटायरिटी में बहुत कम जी एस्पिरेंट्स देखते हैं, एज इफ कि पूरी तरह से वो जो सॉल्यूशन है, वो जो क्वेश्चन है, तुम्हारे अंदर सिंक इन हो जाए। सो विद द हेल्प ऑफ दिस वीडियो आई वॉन्ट यू टू टेक दिस टेक अवे कि अगली बार से कोई क्वेश्चन अगर हम सॉल्व कर रहे हैं तो उसको डीपली समझते हुए आगे बढ़ना है, और कितनी डेप्थ में डाइव इन करना है ये तुम्हें देखना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि तुम एक क्वेश्चन पे 3-4 घंटे दे दोगे और रोज तुम ऐसे ही करते रहोगे, ऐसे में तो गड़बड़ हो जाएगी, जेई प्रिपरेशन इंबैलेंस हो जाएगी। गोल तो एट द एंड अपना जेई एडवांस क्रैक करना है ना। बट ये बात तो तय है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स में डेप्थ की कमी है, तेजी से बढ़ने के चक्कर में डेप्थ खो दी है, और अगर डेप्थ बिल्ड नहीं हुई तो जेई एडवांस के बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाएंगे। अगेन अनदर थिंग इज, डेप्थ अगर बिल्ड नहीं होती है तो सब्जेक्ट के लिए जेन्युइन एक सेंस ऑफ पैशन होता है वो भी डेवलप नहीं होगा। अगेन आई'ड से कि कोई IIT कर भी लेता है, IIT में चला भी जाता है, बहुत सारे बच्चों के साथ यही तब भी सीन रहता है कि वो रैंडमली कोई तो भी रैट रेस में भाग रहे हैं, उन्हें अभी भी समझ नहीं आया कि हमारा पैशन क्या है, कौन सी चीज़ें जिसको करते करते अपन खो जाते हैं। सो दिस इज समथिंग दैट वी गाइज नीड टू लर्न एंड डेवलप टू एन एक्सटेंट इन आर जेई प्रिपरेशन एज वेल एंड लाइफ इन जनरल एज वेल। सो या, दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। आई होप ये बेनिफिशियल लगी होगी, और ये ब्लॉग, ये पर्टिकुलर पैरा, कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जिनको पढ़ के मज़ा ही आ गया होगा फॉर लेजेंड, कुछ रिलेट भी कर पा रहे होंगे। अगर ऐसा है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, मुझे जानना है कि और कितने लोग हैं जो रिलेट कर सकते हैं इस चीज़ से। Apart from that, I have been uploading the full course for IITJ Mathematics on a different channel, that is JEE Simplified Subject. If anyone of you is interested, you can check it out. Link is obviously available in the description. So yeah, see you guys in next video. Time waste mat karna is video ke baad, 2-3 minute, 5-10 minute hi pondering kar sakte ho, uske baad padhne baith jana, theek hai? All right, bye.